ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਰੈਡੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨਿਊ ਬਲੌਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। सामने का तुसी व्यू देख रहे हैं जो कि बहुत ही वधिया हैगा आ। ते जे मैं कल दी गल करां ते कल मैं वीडियो नहीं बनाई सीगी क्योंकि मैं सास्काटोन तो रेडियर तक ड्राइव की हैगी 700 किलोमीटर। तो ये असी दो ही स्टॉप लए सीगे, तो एक 5 मिनट का स्टॉप लिया सीगा, दूजा एडमिंटन जाके लिया सीगा 10 तो 15 मिनट का। सो इसलिए मैं अज ही वीडियो बना रहा हाँ। Thank you.
ਨੈਕਸਟ ਲੇਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੇਕ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਰਸ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਸੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਟੋਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਗੋਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 8% ਦਾ ਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵਿਊ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। Thank you.
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। सो ये कैंप ग्राउंड के बैक साइड से एक रिवर चलता पिया है, तो इतने आए थे देखते हैं अगे जाके ग्रीनरी काफ़ी हैगी है। इतने दरख्त देख रहे हैं सामने, तो उच्चे उच्चे पहाड़, रिवर का पानी काफ़ी तेज चलता पिया है। तो पानी के अंदर जाके देखते हैं, तो पानी काफ़ी ठंडा हैगा आ, क्योंकि सीधा अपना स्नो का पानी ही जी पिघलती पई है उसका पानी ही आता पे है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हैगा। पैर मेरे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। सो व्यू सामने बहुत ज़्यादा वधिया हैगा आ, ते लोकां ने इत्थे ज़्यादातर अपनियां बोट रखियां होईयां आ, ते जिथे भी कोई वधिया लेक आउंदी आ उत्थे अपनी बोट उतार के फिर बोटिंग करदे हैगे आ। चेर खाना तैयार होंगे आप चल के देखते हैं और पासे कितने मेरे पिछे देख रहे हैं। पुल हैगा ये लकड़ का पुल बनया हैगा जो कि रिवर नू क्रॉस करता पे आया। सो काफ़ी वधिया व्यू हैगा आ पिछे तुम देख सकते हैं। सो पुल बहुत ही वधिया हैगा आ। सो आसे पासे काफ़ी वधिया हैगा आ। ये साड़ी जिहड़ी कैंप ग्राउंड आ इहदा नाम हैगा अपना वाटर फॉल कैंप ग्राउंड, तो इहदे आसे पासे काफ़ी यानी कि वधिया हैगा आ, काफ़ी ब्यूटीफुल हैगी लोकेशन। तो इहदा एक पंगा हैगा आ इत्थे कैंप ग्राउंड ते ना तो बिजली हैगी आ ना ही कोई नैटवर्क होंदा मोबाइल नैटवर्क, इसलिए बिना नैटवर्क तो बिना बिजली तो दो दिन हुण रहना पैना आ। तो बाकी देखते हैं किदा बनती आ, तो हम आप देखते हैं एक ट्रेल हैगी है छोटी जी कितने तक जाती हैगी। सो दरख्त तुम देख सकते आसे पासे दरख्त ही दरख्त है, तो काफ़ी उच्चे भी है दरख्त। तो मेरा प्लैन बनया सी एक छोटी जी ट्रेल करन दा जो कि सानू किसी ने दस्या सीगा 15 तो 20 मिनट की हैगी आ, ते पर दो जने ट्रेल करके आ रहे थे वो सानू मिले सीगे, ते उन्होंने दस्या कि 1.5 से 2 घंटे की ट्रेल हैगी है, ते इसलिए टाइम भी काफ़ी हो चुका आ, ते सानू घट्टो घट 3 घंटे लग जाने सी आउण जाण च, इसलिए हुण आपां कल नू देखांगे ट्रेल करनी जां नहीं करनी। सो अगे जाके काफ़ी कुछ हैगा देखण नू, ते कल देखांगे फिर। तो सामने व्यू देख रहे हैं तुसीं बहुत ज़्यादा वधिया हैगा आ, ते इस दे नाल ही वीडियो नूं इत्थे ही एंड करते हैं क्योंकि खाना तैयार हो गया हुण अपना। सो वीडियो जे वधिया लगी तो लाइक कर दिओ, जे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिओ।